दोस्तों आज मेरे पास है सारे गामा कारवा म्यूजिक बार। ये एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक बार है जो सारे गामा की तरफ से आता है। इसके अंदर आपको 1000 प्रीरिकॉर्डेड सॉन्ग्स के साथ साथ कैरियोके का आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलता है, 120 वाट का पावरफुल साउंड मिलता है, 1 ईयर का वारंटी आता है। और ये जो बॉक्स है आप देख सकते हो कितना बड़ा सा इसका एक बॉक्स है। तो मैं काफी दिन से वेट कर रहा था इसका अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो आज वो दिन है जब मैं इसको अनबॉक्स करूंगा। और इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, जो कैरियोके है वो कैसे काम करता है, साउंड क्वालिटी कैसा है, और ये आपको अभी काफ़ी एक बेहतरीन प्राइस में भी आपको मिल रहा है। इसका एक्चुअल प्राइस है अराउंड 20,000 रुपीज़, लेकिन अभी आपको इनिशियली 10,000 रुपीज़ में आपको ये मिल जा रहा है। तो सारा चीज़ें इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अनबॉक्स करने से पहले जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे 1000 प्रीलोडेड सॉन्ग्स आपको मिलता है, तो कौन से सॉन्ग्स या फिर यानी कौन से आर्टिस्ट का सॉन्ग यहाँ पे अवेलेबल है वो सारा यहाँ पे मेंशन है। उसके साथ इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है उसका भी एक यहाँ पे आपको डेमो मतलब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। नीचे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सामने आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए नीचे पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो पहले देख लेते हैं। इस आपको FM मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, HDMI जो ARC सपोर्ट के साथ आता है, कोएक्सियल इन आपको यहाँ पे मिलता है, उसके साथ ऑक्स इन, USB 3.0, ऐप का भी इसका एक सारे गामा का अलग से ऐप है जिसे यूज करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, वो आपको मिल जाता है। 120 वाट का यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलता है, 2.1 स्टीरियो ऑडियो मोड्स आपको यहाँ पे अलग अलग मिल जाता है, उसके साथ क्वाड ड्राइवर आपको यहाँ पे मिलता है, प्लस 70 वाट का जो सबवूफर है वो काफी पावरफुल है, 70 वाट का एक सबवूफर आपको मिलता है, और कैरियोके का भी आपको फीचर्स इसको मिलता है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं बॉक्स को, और बॉक्स में क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अनबॉक्सिंग हो गया है। तो ये रहा हमारा साउंड बार, ये है हमारा सबवूफर, और इसके साथ मुझे दो बॉक्स भी मिला है। जैसे ये है सारेगामा कारवा म्यूजिक बार का एक्सेसरीज बॉक्स, जिसके अंदर मुझे मिला है एक पावर केबल जिससे ये जो साउंड बार है जिसे पावर दिया जाएगा, उसके साथ मुझे मिला है एक HDMI केबल, उसके साथ मिला है मुझे एक ब्रेडेड 3.5 mm एक केबल, और उसके साथ मुझे मिला है रिमोट कंट्रोल। इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिलता है, और उसके साथ हमें रिमोट का बैटरी भी मिलता है जो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, और उसके साथ ये इस वाले बॉक्स के अंदर मुझे मिला है, और एक कुछ बुकलेट्स मिला है जिसके अंदर हमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल, एक इंस्टॉलेशन गाइड, और जैसे इसमें 1000 सॉन्ग्स प्रीलोडेड है तो कौन से नंबर पे क्या सॉन्ग्स है उसका एक आपको बुकलेट दिया गया है जिससे आप सॉन्ग्स को ढूंढ पाओ, और जैसे इसे आप वॉल माउंट कर सकते हो, तो वॉल माउंट करने के लिए जो बाकी चीज़ें आपको क्लैम्स एंड बाकी सारी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पे विथ स्क्रूज एंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड है। उसके साथ मुझे एक मेटल बॉक्स ऐसा मिला है जो देखने में काफ़ी प्रीमियम है, ब्लैक कलर में, और उसे मैं अगर अनबॉक्स करता हूँ तो वहाँ पर मुझे मिल जाता है दो माइक्रोफोन्स विथ बैटरी, सब कुछ मुझे मिलता है, और जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो लेकिन काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है। यहाँ पर भी आपका सारेगामा कारवा का यहाँ पे ब्रांडिंग है, यहाँ पे आपका जो स्विच है इसे ऊपर नीचे करने से आपको मिलता है, और बैटरीज भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और उसके साथ ये जो साउंड बार है, साउंड बार के ऊपर आपका यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे आपका सबसे ऊपर है पावर बटन, उसके साइड में सारेगामा मोड, उसके साइड में आपको मिलता है यहाँ पे FM मोड, उसके साइड में आपको मिलता है ब्लूटूथ, उसके बाद आपका HDMI एंड कोएक्सियल, उसके साइड में आपका USB या फिर 3.5 mm जैक अगर आप कनेक्ट करते हो, उसके साइड में कैरियोके का ऑप्शन मिलता है, प्ले पॉज सॉन्ग्स नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हो, और वॉल्यूम अप डाउन भी आप कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ें अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से आपको और कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ से आप ऊपर आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, साइड में सारेगामा का आपका ऑप्शन है, यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शन है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, नीचे आपका वॉल्यूम अप डाउन है, सॉन्ग्स को आगे पीछे आप कर सकते हो, यहाँ से आप बेस और ट्रिबल को भी आप यहाँ पे अप डाउन कर सकते हो, यानी घटा सकते हो बढ़ा सकते हो, उसके साथ म्यूट का है, अगर आप बेस को म्यूट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, उसके नीचे म्यूजिक मतलब जो साउंड आपका किस तरीके से आएगा, यानी म्यूजिक मोड, मूवी मोड, न्यूज़ मोड और 3D मोड आपको मिलता है, 3D में आपको सराउंड साउंड काफ़ी अच्छी तरीके से मिलेगा। उसके नीचे आपको मिलता है कैरियोके का आपका ऑप्शन, जहां से आप कैरियोके ऑन कर सकते हो, बैलेंस को आपको ठीक कर सकते हो, यानी माइक में कितना ज़्यादा आएगा वॉल्यूम एंड आपका साउंड बार का कितना मतलब म्यूजिक का वॉल्यूम कितना आएगा, उसके साथ वोकल और म्यूजिक ये सारा चीज़ें आप यहां से
कर सकते हो। उसके साथ ये जो आपका सबवूफर है ये काफी एक भारी सबवूफर है, यानी मतलब काफी अच्छा बेस आपको यहाँ पे मिलेगा, और उसके साथ ये वुडन फिनिश के साथ आता है, तो ये आपका प्लास्टिक बिल्ड है और साइड में आपका देख सकते हो एक वुडन टच दिया हुआ है जो काफी अच्छा लग रहा है। वुडन फिनिश जैसा है लेकिन वुड नहीं है, लेकिन ये कम्प्लीटली वुड से बना हुआ है। साइड से हमें यहाँ पे ये वूफर है और इसका जो पीछे आपको ये यू नो बेस पोर्ट आप कह सकते हो आपका है, उसके साथ ये जो केबल है ये जो आपका साउंड बार के साथ कनेक्ट होगा। तो चलिए मैं इसको पावर ऑन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे क्या काम करता है। अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सामने हमें एक मेटल ग्रिल मिलता है जिसके अंदर से हमें स्पीकर्स देखने को मिलता है। ऊपर बटन्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसका पीछे के साइड में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे दोनों साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लैंप्स, मतलब अगर आप वॉल माउंट करना चाहते हो तो वो लगाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे यहाँ पर है इधर भी आपका सेम चीज अवेलेबल है। पीछे हमें यहाँ पे केबल मिलता है, इसके बारे में बोल रहा हूँ ये क्या चीज है, और उसके साइड में हमें मिलता है पावर सप्लाई जहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, मतलब जो केबल मैंने दिखाया है वो। उसके साइड में आपको मिलता है सबवूफर कनेक्ट करने का एक जगह रेड वाला। उसके साइड में HDMI जो ARC मतलब ऑडियो रिटर्न चैनल ये सपोर्ट करता है। उसके साथ में USB यानी यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा के आप गाना सुन सकते हो। उसके साइड में ऑक्स इन यानी जो 3.5 mm जैक था वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और कोएक्सियल केबल अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। पीछे के साइड में ये जो केबल है ये एक्चुअली आपका जो FM का रिसेप्शन है वो आपका बेटर बनाएगा, तो आपको क्लियर तरीके से FM सुनने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। ये इस तरीके का एक केबल है जो आपका जो FM रिसेप्शन है उसे बेटर बनाएगा, और अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे मोड़ के इसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो चलिए अब इसे पावर ऑन करते हैं और देखते हैं क्या साउंड क्वालिटी और क्या क्या फीचर्स हम कैसे कितना इजीली आप यूज़ कर सकते हो। बैटरी लगाने के लिए आपको ये ऐसे इसको घुमाना पड़ेगा, ये खुल जाएगा और दोनों साइड में आपका दो बैटरी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये फिर रेडी हो गया। जस्ट आपको ये ऊपर करना है, यहाँ पे कैरियोके मोड ऑन करना है और यू आर रेडी टू गो। ऐसे मैंने इसमें पावर दिया, ऊपर जो पावर बटन है वहाँ पे रेड कलर का लाइट जल गया जिससे मुझे पता चल गया कि ये ऑन है। पावर ऑन करते ही ये रेड वाला बटन ग्रीन हो जाता है, और जैसे यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं है तो मैं जो भी करूँगा उसका, लेकिन मुझे यहाँ पे मतलब वॉइस में मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं ब्लूटूथ करता हूँ, ब्लूटूथ मोड, तो ब्लूटूथ मोड ऑन हुआ वो बता देगा, और उसके साथ जैसे जो जो ऑप्शन मैं दबाऊंगा वो होगा वहाँ पे। तो इसके साथ हम थोड़ा सा ऐप जो है उसे भी चेक कर लेते हैं। ऐप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पे ये ऐप ओपन करते ही आपको बता देगा कि ये कौन सा डिवाइस सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कारवा म्यूजिक बार है, तो मैं इसे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे आपको और दो ऑप्शन मिलता है, आप कारवा पे सुन सकते हो या फिर आप ऐप में भी सुन सकते हो, तो हम यहाँ पे लिसन ऑन कारवा करेंगे। आप यहाँ पे इस ऐप को रिमोट की तरह यूज कर सकते हो, तो वहां पे हम जाएंगे और यहाँ से इसे मतलब अगर आप जो प्रीलोडेड सॉन्ग है वो अगर आप सुनना चाहते हो तो वो बेस्ट तरीके से आप ऐप का यूज करके सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारा मतलब आर्टिस्ट वाइज आपका यहाँ पे गाना अवेलेबल है। उसके ऊपर टैप करना है, टैप करते ही उनके जितने भी गाना यहाँ पे अवेलेबल है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप प्ले ऑल भी कर सकते हो या फिर आप इंडिविजुअली गाना भी चला सकते हो। तो एक गाना प्ले करते हैं और देखते हैं कैसा आ रहा है। तो ये मेरा एक काफ़ी फेवरेट सॉन्ग है। कोई मतलब डिस्कशन नहीं होगा, बेस इज ऑसम, गाने का जो क्लैरिटी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। तो हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा जो कैरियोके वाला आपका ऑप्शन है उसे थोड़ा सा ट्राई करते हैं और देखते हैं। अब चलिए इसका कैरियोके थोड़ा जो फीचर है उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट जगह पर सेटअप किया है, और यहाँ पे ये जो माइक है, माइक ऑलरेडी ऑन हो चुका है, और यहाँ पे जो कैरियोके वाला बटन है वो मैंने प्रेस किया है, करने से मेरा जो माइक है वो ऑन हो गया है। यहाँ पर भी ऑन करना होगा, यहाँ पे जो कैरियोके वाला बटन है उसे आपको प्रेस करना होगा, और उसके बाद आप किसी भी लाइक आपका जो सारेगामा का एक कैरियोके अलग से चैनल है जहाँ पे सारे
सारे गामा के जो गाने हैं वो कैरियोके में आपको मिलता है, या फिर आप दूसरा भी कोई गाना चला के उसके साथ गाना गा सकते हो। किस तरीके से वो मैं एक आपको छोटा सा डेमो दे देता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा अभी गाना चलेगा। पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है जहां मिल गया, तो जहां मिल गया। तो ये हो गया हमारा जो कैरियोके मोड था, उसको हमने इस तरीके से प्ले किया है। अब अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। एक है जो सारेगामा आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ से जाके आप गाना प्ले कर सकते हो, यानी जो कारवा एप्लीकेशन है वहाँ से प्ले कर सकते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप प्ले कर सकते हो, या फिर अपना जो यहाँ पे सारेगामा वाला ऑप्शन है उसको प्रेस करके आप वहाँ से प्ले कर सकते हो। जहाँ से मतलब जो भी गाना आपको पसंद है वो प्ले करते हुए आप उसके साथ इस माइक का यूज़ करके कैरियोके का मज़ा ले सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड आई एम श्योर काफ़ी टॉर्चर हो गया आप लोगों के साथ ये मेरा गाना सुन के। तो और क्या चाहिए, दैट्स ऑल। बस अब आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा ये टोटल पैकेज। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो बाय।